नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता द्विवेदी। मेरे किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे आप प्रसाद में पंचामृत कैसे तैयार करेंगे, ये आज हम आपको बताएंगे। पंचामृत बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ पे आप देखेंगे। आधी कटोरी मैंने चीनी लिया है, पंचमेवा मैंने कोकोनट, काजू, बादाम, किशमिश, चिरौंजी, यहाँ पे आप देखेंगे मखाना भी मैंने कट करके ले लिया है, इस तरीके से आप कट करके ले लेंगे। गंगा जल, शहद, दूध, इसमें मैंने केसर डाला हुआ है ताकि केसर का कलर अच्छे से आ जाए दूध में। दही एक कटोरी मैंने लिया है, पानी मैंने एक ग्लास लिया है, तुलसी का पत्ता। अब हम बनाना शुरू करेंगे पंचामृत। सबसे पहले हम बाउल में पानी डालेंगे, अब हम चीनी डाल के अच्छे से पानी को घोल लेंगे। चीनी अच्छे से घुल जाए पहले, देखेंगे मैंने चीनी को अच्छे से घोल लिया है। अब हम इसमें दही डाल देंगे, इस तरीके से आप दही डाल देंगे। दही डाल के आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर आप इसमें गंगा जल डाल देंगे, शहद डाल देंगे, पंचमेवा डाल देंगे, मखाना डाल देंगे। दोस्तों, मैंने गाय का दूध लिया है, पंचामृत में गाय का दूध पड़ता है, इसे डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से घोल लेंगे। सभी चीज़ों को डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, इस तरीके से आप मिला लेंगे। अब ऊपर से तुलसी का पत्ता डाल देंगे। पंचामृत हमारा बनके तैयार है। इस तरीके से आप बना के भोग लगा सकते हैं, इसे चरणामृत भी बोलते हैं। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।